नमस्कार बच्चों, हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हमारे पास में जो प्लांट होते हैं उनके कितने पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट का क्या वर्क होता है, वो क्या काम में आता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में जैसे ह्यूमन बॉडी होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर एक ऑर्गन होता है किसी वर्क के लिए काम करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास में प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, तो हर जो ऑर्गन होता है उसका अलग अलग वर्क होता है। तो आज हम जो जिस ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास में ऑर्गन है रूट। कौन सा ऑर्गन है? रूट। कि एक प्लांट का एक सबसे मेन ऑर्गन होता है उसका रूट। ठीक है, तो हमारे पास में क्वेश्चन यही बन गया है कि व्हाट इज़ रूट। रूट क्या होती है? राइट द मेन फंक्शन ऑफ रूट, कि रूट के मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं और रूट हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, द पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट का ऐसा भाग विच इज बिलो द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे रहता है या इन द सॉइल या सॉइल में रहता है, इज कॉल्ड रूट। उसको हम क्या बोलते हैं? रूट। इसका मतलब ये हो गया कि प्लांट का ऐसा भाग जो ज़मीन में रहता है या ग्राउंड में रहता है। ठीक है, बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब ज़मीन से नीचे रहता है। ठीक है, इन द सॉइल कहाँ रहता है? मिट्टी में। उसको क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं? रूट। तो रूट किसको बोलते हैं? कि प्लांट का ऐसा भाग, ठीक है, प्लांट का ऐसा भाग जो ज़मीन के नीचे होता है और किस में रहता है? इन द सॉइल मतलब मिट्टी में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं? रूट। उस प्लांट के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रूट। उसके बाद में देखो, मेन फंक्शन ऑफ रूट, जिसे हमने डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास में ह्यूमन बॉडी होती है उसमें डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, तो हर ऑर्गन का एक वर्क होता है, ऐसे इस प्रकार से हमारे पास में प्लांट का एक पार्ट होता है रूट। उस रूट के भी अलग अलग वर्क होते हैं, जिसमें पहले हमारे पास में जो रूट का वर्क है वो हम डिस्कस करेंगे। रूट एंकर द प्लांट टू द सोयल, ठीक है, मींस रूट्स फिक्स द प्लांट फर्मली इन टू सोइल। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में जो रूट होती है वो क्या करती है? प्लांट को एक मतलब स्थायित्व देती है, मतलब एक जगह उस प्लांट को फिक्स करती है। यदि प्लांट में रूट नहीं रहेगी तो वो प्लांट है वो एक जगह फिक्स नहीं रहेगा, और जैसे किसी हवा आएगी या तेज़ कोई पानी वगैरह आ जाएगा तो वो प्लांट वो गिर भी सकता है, वो टूट भी सकता है। तो उससे बचाने के लिए जो रूट क्या होती है, रूट को उसको एक मतलब उसको मजबूती से खड़ा करने में उस प्लांट की हेल्प करती है। इसका पहला वर्क हो गया। उसके बाद में देखो, इसका जो सेकंड वर्क हो गया रूट का, ठीक है, तो वो रूट का सेकंड वर्क क्या हो गया कि रूट का हमारे पास में सेकंड वर्क क्या हो गया कि रूट अब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, पहला वर्क तो क्या हो गया कि जो प्लांट को वो खड़ा रहने में हेल्प करती है रूट, ठीक है, और सेकंड हमारे पास में क्या हो गया कि रूट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में जितने भी वाटर वगैरह और मिनरल वगैरह होते हैं होता है, ठीक है, तो उसको कौन अब्सॉर्ब करती है? रूट। कौन करती है? रूट। और रूट क्या करती है कि जिस नीचे गहराई में चली जाती है जहाँ पे उसको वाटर वगैरह मिनरल्स वगैरह मिलता है, तो उसको अब्सॉर्ब करके और स्टेम के माध्यम से लीव्स तक पहुँचाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट अपना भोजन वगैरह बनाते हैं। तो ये इसका सेकंड वर्क हो गया कि प्लांट की जो रूट होती है वो क्या काम में आती है कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ज़मीन के अंदर उसको अब्जॉर्ब करती है। उसके बाद में थर्ड देखो, रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर एंड हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में जो रूट्स होती है वो क्या करती है कि जो हमारे पास में मिट्टी होती है उसको एक जगह वो होल्डिंग मतलब एक जगह जमा के फिक्स रखती है, ठीक है, एंड हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, और उस हमारे पास में जो मिट्टी है उसको ढहने से, ठीक है, उसको अलग अलग जगह बिखरने से बचाती है। जैसे हमारे पास में कुछ प्लांट वगैरह आपने देखा होगा, जैसे आप उस प्लांट को उखाड़ते हो तो उसके अंदर मिट्टी के जो ढेर वगैरह उसके अंदर फिक्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्लांट होती है जो रूट, प्लांट की जो रूट होती है वो क्या करती है, उस मिट्टी को एक जगह दबा के रखती है, उसको बिखरने नहीं देती है। तो ऐसे हम जो प्लांट की प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को मतलब कंजर्व करने में भी हेल्प करते हैं। ये इसके तीन वर्क हो गए सॉइल के, इसके रूट के। अब उसके बाद में देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर वन तो कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज रूट और राइट द मेन फंक्शन ऑफ रूट, रूट क्या होती है, रूट के मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हमारे पास में कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखो, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूट। हमारे पास में रूट का हमने तीन वर्क डिस्कस कर लिए थे, एक तो क्योंकि प्लांट को सीधा खड़ा करने में हेल्प करती है, वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करती है, और कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ये तीन इसके वर्क हो गए। लेकिन हमारे पास में रूट होती है वो एक प्रकार की नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो क्वेश्चन नंबर टू आ गया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूट, रूट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं।
तो रूट कितने टाइप्स की होती है, इसका आंसर देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट। रूट हमारे पास में कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की। पहली तो हमारे पास में जो रूट का जो टाइप होता है उसको बोलते हैं टेप रूट। क्या बोलते हैं, टेप रूट। सेकेंड हमारे पास में जो रूट हो गया वो कौन सा हो गया, फाइबरस रूट। कौन सी रूट हो गई, फाइबरस रूट। तो ये क्वेश्चन नंबर टू का आंसर यही हो गया कि क्वेश्चन नंबर टू हो गया, ये पूछ रहा है कि हमारे पास में रूट होती है वो कितने टाइप की होती है, तो दो टाइप की हमारे पास में रूट होती है, एक तो टेप रूट होती है और एक कौन सी होती है, फाइबरस रूट। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करेंगे, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जो दो एग्जाम दो टाइप के जो हमने डिस्कस किए थे कि रूट के टाइप्स, देखिए टेप रूट और हमने क्या डिस्कस किया था वो, सॉरी फाइबरस रूट, ये दो रूट के टाइप्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टेप रूट को डिटेल में कि टेप रूट हम किसको बोलते हैं। तो टेप रूट क्या होती है, देखो इसमें टेप रूट इज ए स्ट्रेट टेपरिंग रूट विच ग्रो वर्टिकली डाउन इन द सोइल एंड गिव्स आउट ब्रांचेज ऑन ऑल द साइड, सी फिगर नंबर 5। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे कि जो टेप रूट होती है वो कैसे होती है, किस टाइप की होती है टेप रूट। हम देखो इधर नेक्स्ट एक फिगर आएगा, उस फिगर की हेल्प से हम इसको देखेंगे कि हमारे पास में जो टेप रूट होती है वो क्या कैसे होती है। वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो उससे पहले हम इसको टेप रूट को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो टेप रूट इज ए स्ट्रेट टेपरिंग रूट विच ग्रो वर्टिकली डाउन इन द सोइल, ठीक है। टेप रूट कैसी होती है, एक स्ट्रेट सीधी रूट होती है, ठीक है, और वो कैसी जाती है, वर्टिकली मतलब सीधी जाती है ज़मीन में, एंड गिव्स आउट ब्रांचेज ऑन ऑल द साइड, और वो ब्रांचेज को ऑल साइड, जो ब्रांचेज होती है उसकी सभी डायरेक्शन में उसकी बढ़ती है। टेप रूट इज द मेन रूट, टेप रूट कैसी होती है, एक मेन रूट होती है, एंड स्मॉलर एंड द स्मॉलर साइड रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स, उनको क्या बोलते हैं, लेटरल रूट। जैसे हमारे पास में जैसे रूट हो गई, टेप रूट क्या होती है, एक मेन रूट होती है, फिर उससे अलग अलग रूट का डिवीजन होके जो अलग अलग छोटी छोटी रूट्स बनती है जिनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट। क्या बोलते हैं, लेटरल रूट। उसके आगे देखो, प्लीज़ नोट टेप रूट्स इटसेल्फ इज क्वाइट थिक, टेप रूट होती है वो थोड़ी मोटी होती है, बट इट्स ब्रांचेज, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट आर मस्ट थिनर, वो कैसी होती है, पतली होती है। टेप रूट थोड़ी मेन रूट होती है ना, तो इसलिए वो मोटी होती है, और उससे जो जुड़ने वाली जो ब्रांचेज होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल पतली होती है, जिनको हम लेटरल रूट भी कहते हैं। सम ऑफ द प्लांट हैविंग टेप रूट्स, जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें टेप रूट होती है, जिसमें पहला हमारे पास में पीस का प्लांट हो गया, मटर का पौधा हो गया, उसमें भी टेप रूट होती है, नीम का प्लांट हो गया, ठीक है, मैंगो का प्लांट हो गया। उसके बाद में देखो मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड का मतलब क्या होता है, गेंदे का जो फूल होता है ना, उसमें जो उसका जो पौधा होता है उसमें भी कौन सी होती है रूट, टेप रूट। उसके बाद में देखो तुलसी का पौधा, उसके बाद में ग्राम यानी चने का पौधा, ठीक है। उसके बाद में देखो कैरोट यानी गाजर का जो पौधा होता है उसमें कौन सी रूट होती है, टेप रूट। रेडिस का जो पौधा है, बीट चुकंदर का पौधा है, और टर्निप यानी शलजम का पौधा, ये सारे के सारे पौधे होते हैं, उनमें एक मेन रूट होती है, और उस मेन रूट से ही छोटी छोटी जो लेटरल रूट वगैरह निकलती है, ठीक है। तो मेन रूट तो होती है वो मोटी होती है, और जो लेटरल रूट होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। तो हमारे पास में जो टेप रूट होती है वो एक सिंगल एक वर्टिकली रूट होती है, और वो ही जमीन में जाती है, और उससे अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स की जो लेटरल रूट वगैरह निकलती रहती है।